और बिहार चुनाव के ऐलान से पहले बिहार को आज सौगात की दूसरी किश्त मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बिहार में 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित हैं। इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका जो सहयोग मिल रहा हर क्षेत्र में और जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आपके द्वारा लागू की जा रही हैं, इन सब के चलते अब तो हर व्यक्ति का उत्थान होना है। और जो ये जो मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट का भी निर्माण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे सब कुछ होगा, ये कितना उपयोगी होगा अगर उसके निर्माण कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो कुछ भी किया जा रहा है कि जो भी तट का योजना, नदी तट विकास योजना, तो अब इसके चलते लोग जाएंगे भी वहाँ और आनंद लेंगे। बाहर के भी लोग आएंगे, मुजफ्फरपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आनंद लेंगे। और इस तरह की योजना तो धीरे धीरे हम लोगों ने पटना में शुरू करवाया था, इतने हम लोगों ने निर्माण किया है घाट वगैरह में, कई जगहों पर काम शुरू किया। चूँकि हम तो पढ़े हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी में उस समय, अब तो खैर अब वो हो गया NIT, लेकिन उस समय जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, अब उसमें पढ़ते थे तो नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है और वहीं पर बापू की स्मृति भी रखा हुआ, गांधी घाट वो कहलाता, तो वहीं पर जाकर के हम तो बैठते थे बराबर। और बाद में जब यहाँ काम करने का मौका मिला, जो गंगा नदी की स्थिति कितनी कमजोर हो गई है हम लोग देखे, और बापू की स्मृति में वहां पर गए 30 जनवरी को, तब हमने सोचा कि भाई यहाँ की स्थिति को ठीक करना। हम लोगों को कहने लगे कि किस तरह से हम आते थे, स्टूडेंट थे और यहीं पर आकर के शाम में बैठते थे और कितना अच्छा लगता था गंगा नदी के किनारे, तो उसी समय से हम लोगों ने शुरू किया और आपका भी सहयोग मिला। तो इस तरह से जो नदियों के किनारे जो बने गए, उसके घाट का सौंदर्य होगा, लोग आएंगे, बहुत अच्छे ढंग से रहेंगे और उसके चलते जो हम लोगों की इच्छा है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और नदियों के को ठीक रखने की जो इच्छा है वो भी करना है। इसलिए हम लोग तो इस मामले में जो भी संभव है करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके द्वारा, जो कुछ भी पर्यावरण से लेकर के हर चीज़ को लेकर जो कुछ भी योजनाएं बनाई गई हैं और उस पर काम किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग इतना ही आश्वस्त करेंगे कि बिहार में जब ये काम शुरू हुआ है तो धीरे धीरे लोगों को इन सब बातों के बारे में अब जागृति आने लगी है। और हम सिर्फ आपको बता देते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान किया, आपने तो इसके लिए धन्यवाद भी दिया था, लेकिन जब उसके समर्थन में हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई तो 5,16,00,000 से ज़्यादा बिहार के लोग उसमें शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी और ये लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए, तो ये बात तो है, हम लोग तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये तो एक प्रयास है और हर तरह से लोगों में जागृति भी लाने का प्रयास है, तो वो सब तो करेंगे ही, लेकिन सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये सुविधाएं आपके द्वारा भी प्रदान जो की गई हैं, तो इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपको इतना ही आश्वस्त करेंगे कि बिहार में जो योजनाएँ हैं आपकी, उन योजनाओं को ससमय पूरे तौर पर यहाँ क्रियान्वित किया जाएगा और जो कुछ भी अमृत योजना के अंतर्गत और जो योजनाओं का काम होना है उसको तेजी से, अभी हाल ही में हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक भी की है ताकि तेजी से बाकी योजनाओं का भी काम हो जाए, तो ये हम लोग चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, आपने पुनः आज का समय दिया है और आज पार्लियामेंट भी चल रहा है, इसलिए हम लोग समय आपका ज्यादा बोल करके समय नहीं लेना चाहेंगे, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और जो कुछ भी काम किया गया है इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत पटना शहर में निर्मित करमलीचक STP एवं बेऊर STP का उद्घाटन तथा मुजफ्फरपुर नदी तट विकास परियोजना का शिलान्यास एवं अमृत परियोजना के अंतर्गत सीवान जलापूर्ति योजना फेज 1 एवं छपरा जलापूर्ति योजना फेज 1 का उद्घाटन तथा मुंगेर जलापूर्ति योजना एवं जमालपूर्ति जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जाएगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं जो बिहार के लिए हैं। ये दूसरी किश्त है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नमामि गंगे योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर नदी तट पर विकसित करने का जो कार्यक्रम है उसका शिलान्यास उन्होंने किया है। कई ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी परियोजना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए भी 2 परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ 3 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित है और इनकी लागत 541 करोड़ है। सहयोगी बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, रविशंकर प्रसाद जी, गजेंद्र शेखावत जी, अश्विनी चौबे जी, उप मुख्यमंत्री भाई सुशील जी, केंद्रीय और राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्य, सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जिन 4 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है उनमें पटना शहर के बेऊर और करमलीचक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। इसके अलावा मुंगेर और जमालपुर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी आज शिलान्यास किया गया है। शहरी गरीबों, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम एक विशेष दिन पर हो रहा है। आज हम इंजीनियर दिवस भी मना रहे हैं, अभियंता दिवस। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी, उनकी जन्म जयंती का है, उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर, भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को, उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं। राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। बिहार तो देश के विकास को नई ऊंचाई देने वाले लाखों इंजीनियर देता है। बिहार की धरती तो आविष्कार और इनोवेशन की पर्याय रही है। बिहार के कितने ही बेटे
हर साल देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में पहुंचते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं। आज जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं और वो योजनाएं जिस पर काम शुरू किया गया है, उन्हें पूरा करने में भी बिहार के इंजीनियरों की बड़ी भूमिका है। मैं बिहार के सभी इंजीनियरों को भी विशेष तौर पर आज के इस इंजीनियर दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, बिहार ऐतिहासिक नगरों की धरती है। यहां हजारों सालों से नगरों की एक समृद्ध विरासत रही है। प्राचीन भारत में गंगा घाटी के इर्द गिर्द आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध और संपन्न नगरों का विकास हुआ, लेकिन गुलामी के लंबे कालखंड ने इस विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। आजादी के बाद के शुरुआती कुछ दिनों में बिहार को बड़े और विजनरी नेताओं का नेतृत्व मिला, जिन्होंने गुलामी के काल में आई विकृतियों को दूर करने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब बिहार में मूल सुविधाओं के निर्माण के बजाय राज्य के लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के बजाय प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं पूरी तरह बदल गई। नतीजा ये हुआ कि राज्य में गवर्नेंस से फोकस ही हट गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के गांव और ज्यादा पिछड़ते गए और जो शहर कभी समृद्धि का प्रतीक थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती आबादी और बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड हो ही नहीं पाया। सड़कें हो, गलियां हो, पीने का पानी हो, सीवरेज हो, ऐसी अनेक मूल समस्याओं को तो यानी या तो उसको टाल दिया गया या फिर जब भी इनसे जुड़े काम हुए वो घोटालों की भेंट चढ़ गए। साथियों, जब शासन पर स्वार्थ नीति हावी हो जाती है, वोट बैंक का तंत्र सिस्टम को दबाने लगता है, तो सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग को पड़ता है जो प्रताड़ित है, वंचित है, शोषित है। बिहार के लोगों ने इस दर्द को दशकों तक सहा है। जब पानी और सीवरेज जैसी मूल जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता, तो दिक्कतें हमारी माताओं बहनों को ज्यादा होती है, गरीब को होती है, दलित को होती है, पिछड़ों अति पिछड़ों को होती है। गंदगी में रहने से मजबूरी में गंदा पानी पीने से लोगों को बीमारियां पकड़ लेती है। ऐसे में उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज में लग जाता है। कई बार परिवार अनेक वर्षों तक कर्ज तले दब जाता है। इन परिस्थितियों में बिहार में एक बहुत बड़े वर्ग ने कर्ज, बीमारी, लाचारी, अनपढ़ता को अपना भाग्य मान लिया था। इस प्रकार से
सरकारों की गलत प्राथमिकताओं के कारण समाज के एक बड़े वर्ग के आत्मविश्वास पर गहरी चोट की गई। गरीब के साथ इससे बड़ा अन्याय भला क्या हो सकता था। साथियों, बीते डेढ़ दशक से नीतीश जी, सुशील जी और उनकी टीम समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लौटाने का भरपूर प्रयास कर रही है। विशेष तौर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई को पंचायत राज सहित स्थानीय निकाय में वंचित शोषित समाज के साथियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। साल 2014 के बाद से तो एक प्रकार से बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का करीब करीब पूरा नियंत्रण ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों को दे दिया गया है। अब योजनाओं की प्लानिंग से लेकर अमलीकरण तक और उनकी देखरेख का काम, उसका जिम्मा अब स्थानीय निकाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अब केंद्र और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सीवर जैसी मूल सुविधाओं के ढांचे में निरंतर सुधार हो रहा है। मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बिहार का गौरव बढ़ाने वाली बात होगी। आपने इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोरोना के इस संकट काल में भी बिहार के लोगों ने निरंतर काम किया है। बीते कुछ महीनों में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में 57 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने भी निभाई है। हमारे हजारों श्रमिक साथी जो कोरोना की वजह से दूसरे राज्यों से बिहार लौटे, उन्होंने ये काम करके दिखाया है। जल जीवन मिशन की ये तेजी बिहार के मेरे इन परिश्रमी साथियों को ही समर्पित है। बीते एक साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाओं का 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा वो संबोधित भी कर रहे हैं। आपको वापस ले चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।